हेलो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ में वापस। और करने क्या वाले हैं, जो बिग बॉस चल रहा है इसमें हम स्टैन आ रखे हैं सीजन 16 एपिसोड नंबर 20 के। जो भी जहाँ पर भी स्टैन की क्लिप्स हैं वो सारी क्लिप आउट करके मेरे एक फ्रेंड ने सेंड करी है, और उसके बैक एंड की स्टोरी मेरे को थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर दी है कि इस क्लिप में क्या हो सकता है, किस क्या चीज़ मेरे को पता होनी चाहिए। वो चीज़ें बता दी हैं और उसके बेसिस पे अभी हम देखने वाले हैं कि पूरा रिएक्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रिएक्शन वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा छोटा भाई हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ कमी लगती है वीडियो में, कुछ गलतियाँ लगती हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं आप लोगों से सीखता हूँ और उस चीज़ को इम्प्रूव करता हूँ। सो आप ही लोगों यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। बिकॉज़ उसको पता है कि हम सब स्ट्रॉन्ग कंटेंटर हैं। देखो और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर मैं तुमको बता देता हूँ कि सीन क्या चल रहा था। ये जस्ट स्टार्टिंग का सीन है ना। तो अभी यहाँ पर शालिन का बताता हूँ, कभी बहुत मज़ा आया भाई। ये किस बारे में बात हो रही है? एक्चुअली कल के पहले जो सीजन एपिसोड 19 था उसमें रेस हुई थी खाने को लेकर के, राशन लेने के लिए जो रेस हुई थी उसमें शालिन 3-4 बार जीते थे और बहुत मस्त भाई, मतलब मज़ा आ गया था। तो वही चीज़ कह रहे हैं, और वहाँ पर एमसी स्टैन रो रहे थे उस समय पे, तो या उन्होंने मिस कर दिया था वो चीज़। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे एमसी स्टैन से बता रहे हैं कि तूने मिस कर दिया ब्रो, बट बहुत मज़ा आया। वही चीज़ है, मेरे को आवाज़ आ रही थी यार, पर मैं मेरे इसमें बहुत मज़ा आया, हक से आवाज़ आ रही, रिस्पेक्ट में जीता ना। और भाई कौन सी सब्जी खानी होती है? भिंडी, बीन्स, तू बता क्या खाना है, देख आ जा भाई। स्टैंड भी लाइक घर वक्त भाई, सुबह के लिए पोहे बनेंगे वो देख, सब सब्जियां, फूल गोभी देख कितनी, पत्ता गोभी देख कितनी है। बीन्स, टमाटर, यहाँ भी देखा बीन्स के 3-3 गड्डियां उठा लाया भाई, बहुत भर के लाया था भाई राशन, बहुत खेल लो ना, आ जाओ ना राडे वाले। अरे तुझे देखना, जिस हिसाब से ये बोलता है ना कि खेल लो ना आ जाओ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा, अरे यार स्टार्टिंग से लग गया गलती से, शिट। देखो वेट, और हाँ, जिस हिसाब से बोलता है ना कि खेल लो ना यार, ऐसा लगता है कि भाई का दिल बहुत गंदी तरह टूटा हुआ है। फूल को भी देख कितनी, अरे और बीन्स के 3-3 ओके खेल लो ना आ जाओ ना राडे वाले। अरे तुझे देखना चाहिए था भाई, तू आता तो ऐसे लिपट पड़ता मेरे से, कूद के। रात 8:15 बजे ये क्लिप मैंने इसलिए रखी है, ये यहाँ पे एमसी स्टैंड नहीं है, बट ये क्लिप मैंने इसलिए रखी है भाई, मेरे को अब्दू बहुत क्यूट लगता है यार, है ना। और जो भाई उसकी हरकतें ना बहुत प्यारी हैं, तुम रिएक्शन देखना बस अब्दू का। ओपन योर माउथ वाइड एंड जस्ट पुट इट इन, पुट इट इन, ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ और ही डलवा रहा है। हां कम लाइक दिस, लाइक दिस, अच्छा कल के एपिसोड में मैंने नोट किया ये चीज़ कि साजिद जो है बहुत ख्याल रखते हैं अब्दू का, और अब्दू बहुत केयरिंग है भाई, कोई भी रो रहा हो कुछ भी हो, अब्दू सबसे प्यारा है, सबका दुलारा है, तो वो सबके पास जाके पूछता रहता है। एंड साजिद जो है वो अब्दू का ख्याल रखते हैं जैसे गार्जियन रखते हैं ना वैसा कुछ, तो मेरे को बहुत सही लगा ये चीज़। अभी तो अभी मुँह देखना तुम, ओके बहुत Only half I'm giving you. Yeah, little more. Little more. Come on, beta. Have it. मैंने इन शॉर्ट में मेरे को बता रखा है, जिसने भी ये कॉम्पिलेशन बनाई है उसने मेरे को इन शॉर्ट में बता रखा है कि क्या कुछ हुआ था, क्या स्टोरी लाइन है किस क्लिप के पीछे, तो मेरे को पता है, बट मैंने देखा नहीं है पूरा एपिसोड, ठीक है। तो क्लिप आउट मैंने नहीं किया, क्लिप आउट किसी और ने किया है, एंड या शाउट आउट टू हिम मैन। बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। No, I'm not eating, bro. Lunch. No, now I'm not eating. You have to eat dinner. You've not eaten anything. No. हाँ, तो you have to eat little food. Yes. बहुत ख्याल रखता है भाई, बहुत। जैसा कि आप पहले से जानती हैं कि आपके पेट की तबीयत खराब चल रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में उसकी तबीयत काफी क्रिटिकल हो गई है। Okay. तो वो पेट वाले इंसिडेंट के बाद से ना, मतलब जो ये काफ़ी अपसेट थी टीना, तो शालिन का उसको मतलब बहुत सारा प्यार जो मर चुका था वो उमड़ के वापस आ रहा था, एंड उसकी वजह से यहाँ पर कुछ होने वाला है ऐसा मेरे को सूचना मिली है। पता नहीं कि मुझे इंसल्टेड सा फील हो रहा है। ओके मतलब सीन देखो ऐसा था कि जब शालिन और टीना की लड़ाई हुई थी, लड़ाई क्या हुई थी, स्टैन ने बताया था टीना की सच्चाई, तो शालिन जो है बहुत सैड था, तो ये दोनों लोगों ने ही सुंबुल और ये क्या नाम है
स्टैन इन दोनों ने समझाया था उसको, तो अभी इसको बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि मैंने समझाया था और अभी फिर से वो दोनों साथ में आ चुके हैं, है ना। अभी नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है सुम्बुल कहीं ना कहीं फील करती है यार उसके लिए। नहीं समझता हूँ मैं खुद था ना, जब भी मेरे को सब ने पूरी दुनिया ने समझा। भाई ये लाइन जो स्टैन ने बोली मैंने यहाँ फील करी है, हाँ यहाँ फील करी है भाई, एकदम सेंटर सेंटर नहीं लेफ्ट में भाई। जब जब इंसान होता है ना प्यार में उसको कुछ नहीं समझ आता, कोई कितना ही समझा ले नहीं समझ आता, मेरे साथ भी हो चुका है। सब ने पूरी दुनिया ने समझाया था, फैंस बोलो माँ बोलो बाप बोलो, कुछ नहीं समझ आता भाई। पर वो मेरे लिए ठीक है लड़की, बट इसके लिए ठीक नहीं ना ब्रो। अगर अच्छी रहती तो अपन बोले रहते ना यार ऐसे झगड़े मत करो साथ में रहो, नहीं क्या तुम खुद बोले रहते। पर नहीं ये ब्रो तेरे लिए ठीक इसलिए बोल रहे ना, हमको क्या शौक है क्या, फर्क भी नहीं पड़ेगा। स्टैन भाई दिल से बहुत साफ बंदा है भाई, जोड़ने का काम करते हैं अपन, बहुत साफ बंदा है दिल से, जो भी हो उसके ऊपर है। 11:30 बजे इस क्लिप में क्या होने वाला है bro, somebody calling you outside. Bro, bro, one minute. Before like this. Now how many? Little more. आए, ये बहुत क्यूट है भाई, ये बहुत क्यूट है, ये लौंडा बहुत क्यूट है भाई। सॉरी लौंडा बोल रहा हूँ, मेरी गलती, बट बहुत क्यूट है भाई ये बंदा। I'm going. Thank you, bro. Oh, romantic. I'm making no romantic. बहुत चिड़ा। आए। अरे यार रात 1:30 बजे तालिम भी क्रेजी एक्टर। ओके यहाँ पर स्टैन है, चीजें और थोड़ी पलटेगी कब 8-10 दिन के बाद, तो अपने को मजा आएगा इस। क्यों बता भाई ये लौंडा बहुत, जो चीज की उसको अपने को सरप्राइज देगा। जबान की बात है ना ब्रो, पलटेगा तो क्या बोल रहे हो उसको, उस पलटेगा। 17 दिन में 5 बार पलट चुका है। फैक्ट है, तभी नहीं था मेरे को सामने से फोन किया भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ साथ में खड़े रहूंगा। नेक्स्ट डे मेरे को नॉमिनेट किया, मैं गुस्सा हुआ था। तो हर 3 दिन में पलट रहा है ना उसको। अपन किधर कुछ बोल रहे, लेकिन टीना ने एक लाइन कही थी तो हमने उसके पास बोले भी नहीं। वो तो हालांकि स्टैन ने बता दी थी ये चीज सर को, बता टीना ने बोला था कि यार पलटू आदमी है ये, किसी लोग भरोसा नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते, तुम लोग कैसे। ये लाइन स्टैन ने बता दी है शायद से शालिन को, कल बताई थी मतलब एपिसोड 19 में। और अभी देखो यार मतलब इतनी लड़ाई और ये किसको मारा इसने, स्टैन ने, अब्दू है। अरे यार उसके पीछे मार रहा है भाई, स्टैन भी कुछ भी करता रहता है। इसको देखकर मुझे गुस्सा आती है भाई, चाहे सर्दी हो या खांसी कायम रखेंगे लेगेसी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस तेरे घर में, बस तुझसे ही हम डरे रात और दिन सुबह शाम। बिग बॉस करे बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। गुड मॉर्निंग बिग बॉस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बिग बॉस। यार अब्दू कितना क्यूट है यार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके इसके पीछे बताया था कि यहाँ पर ना ये क्या नाम है स्टैन जो है अब्दू को कुछ सिखा रहा होता है, तो मेरे को देखना है क्या सिखा रहा है। You are kid, you are small, so tell them this. लौंडा जवान हो गया। अबे क्या कर रहे हो इसके साथ? बोल रहा है कि अगर कोई तुमको कहता है कि यू आर किड यू आर स्मॉल तो उसको बोलना लौंडा जवान हो गया। मेरे को देखना है अब्दू कैसे बोलता है ये चीज, उसके आवाज में बहुत क्यूट लगेगी। You are kid, you are small, so tell them this. लौंडा जवान हो गया। फालतू में बिगाड़ रहे हो उसको दोनों। अरे भाई पाजी, if you felt someone like they are laughing at you, then you will say बकवास बंक। Bro चिकनो। चिकनो? बकवास बंक। क्या बोला? चिकनो। You will say बकवास बंक। Bro चिकनो। चिकनो?
ये क्या होता है? बकवास बंद कर। उसको सिर्फ माइंड उसका चेंज करना, उन दोनों के उन्होंने लोग कर रखे हैं। क्योंकि ना पार्टी बदलनी पड़ेगी किसी और के हाथों में। अच्छा मतलब ये लोग कह रहे हैं कि स्टैन और वो दोनों मिलके शिव मिलके उसका दिमाग खराब कर रहे हैं, उस बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। भाई क्या ही बोलूं मैं, बच्चे को खा जाएंगे। खा जाएंगे? अबे क्या राक्षस जो खा जाएंगे, हद है भाई। सुबह 11 बजे कुछ चीजें हैं जो मुझे बात करना मना है, है ना, तो उस चीजों को हम हटा देते हैं, ठीक है? क्या बात करना मना है, कुछ बताया था? पता नहीं, जो भी है तो उस चीजों को हम हटा देते हैं। हटा दो भाई, ठीक है? 100 बात की एक बात ये है, टीना को भी मेरी जरूरत है। ओके, और एज अ दोस्त मैं उसके साथ में खड़ा। भाई बहुत पलटू आदमी है ये। और मैं चाहूंगा कि मैं कौन कुछ नहीं बोल रहा, सुन ना मेरी बात। मेरे भाई आपने मुझे एक रिस्पेक्ट दी आप लोगों ने, और ये तो इमोशनल कर रहा है और ना मैं भूलूं। ओके सही है। और ईश और कभी भगवान ना करे लेकिन कभी जिस दिन मेरी जरूरत हो मैं उसको रेसिप्रोकेट भी करूंगा और मेरी लॉयल्टी भी उसको रेसिप्रोकेट करेगी। बिल्कुल, हमें पता है, तू टेंशन मत ले, हम उतना तो समझदार हैं यार। ये बंदा देव ने तो जो दिन के 12:15 बजे। ओके, इस क्लिप में मस्ती है आई गेस, थोड़ा बताया गया था। यस लाइक दिस। अच्छा मतलब यहाँ पर क्या नाम है, शाजिद जी ने पूछा अगर मनिया जाएगी तो तू कैसे उसको गुड बाय बोलेगा, तो कह रहा है एंजॉय करूंगा मैं। अरे यार अब्दू भाई, स्टैंड गोइंग। अच्छा निमृत कितना खुश होता है मेरे जाने पे। निमृत अच्छा पता है, निमृत जो है वो अब्दू की क्रश है, ये मेरे को बताया। और ये एपिसोड आप पूरा देखोगे आपको पता चलेगा कि निमृत जो है वो अब्दू की क्रश है भाई। प्रियंका अरे भाई when you will go party inside outside everywhere whole Mumbai I'm going you yeah you bro you crying Archana going no Archana going I'm looking party here I'm looking party here आज तो पंच लाइन से बिग बॉस की बात ये है कि ओके ये आज आप लोगों ने मुझे इतना बोर ये टास्क है आई गेस कि अब मुझे जागने के लिए कुछ तो खास चाहिए। भाई स्टैन हर वक्त अपने बालों में हाथ रखता है, हर वक्त तुम कभी भी नोटिस कर लो। तो चलिए मेरे साथ ही थोड़ा गॉसिप कर लीजिए। ओके आज समय समय पर घर में चाइम्स की आवाज आएगी। हर बार चाइम्स की आवाज आने पर मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक कन्फेशन रूम में आए और मुझे उस घर या यहाँ रहने वाले घर वालों से संबंधित एक जूसी गॉसिप बताए। खबरें निकलने वाली है, देखना पड़ेगा पूरा। उम्मीद है कि कन्फेशन रूम में आकर आप मुझे गॉसिप के नाम पर लोरी सुनाकर सुलाएंगे नहीं। ओके या बिग बॉस, वेरी स्पाइसी गॉसिप्स आई हैव। सॉरी माइक पे नहीं करना चाहिए था लेकिन मजबूरी है। मैं थोड़ा मुंह धोकर जाग कर आता हूँ, तब तक आप लोग भी अपना गॉसिप तैयार कर लें। याद रखिएगा गॉसिप मतलब ये आपकी और मेरी बात है, आपसी डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। यार इसकी हंसी मेरे कानों में चुभती है भाई, ये देखो। अभी तक बोल रही है बाप रे, ज्ञान दे रही रहेंगी समझ रहे, बिग बॉस को ही बोर हो रहा हो गया क्या? अच्छा ये क्लिप में कुछ जिक्र ही रहे ये। अच्छा ये गई थी मतलब गॉसिप करने के लिए, तो वही काफ़ी टाइम से आई नहीं होगी बाहर, तो स्टैन कह रहा है कि बहुत देर से पका रही है, मतलब बिग बॉस को बोर कर रही है। दिल से दिल खोल के बात करके आई हूँ यहाँ आज। ओके ओके बहुत इसका घमंड मैं उतारूंगा। अच्छा इसके पीछे की बैक स्टोरी, ये वाले क्लिप के पीछे की बैक स्टोरी ये है, अर्चना और ये जो भी है शिव, इन दोनों का
झगड़ा हुआ था, रीज़न ये था कि इसने अर्चना से बोला था कि प्लेट धो या तो टॉयलेट साफ कर, ऐसा इसी ऐसी किसी बात पे झगड़ा वगड़ा हुआ था। एंड देन अब ये क्लिप है, ओके देखते हैं। आंटी अर्चना, मैं तो आंटी बोल रहा हूं। आंटी भाई स्टैन भाई कहते हैं, मैं तो आंटी बोलता हूं। अर्चना मैं तो आंटी बोल रहा हूं। मैं तो आंटी बोलता हूं। इसको तो लेंगे अपन, बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत एक्स्ट्रा है। पीछे अब्दू गाना गा रहा है भाई, बहुत एक्स्ट्रा है, ओवर हो रहा है। बड़ा प्यारा है यार ये, देख मस्ती को उसके अप्रिशिएट करते हैं फिर, पर एक लैंग्वेज जो आप है ना, बहुत गलत है। और क्या हो रहा मालूम है एंड में, लड़की लड़की दो हफ्ते से वो लड़की के बैकफायर तो ले रहा हूँ कि लड़की थी वो धक्का लग गया। ओ हो, दो हफ्ते का एलिमिनेशन, वो नॉमिनेशन उसको क्या घंटा लगे ना कंकड़। अच्छा वहाँ पर ये लोग उसकी बिचिंग कर रहे थे और यहाँ पर वो उसकी बिचिंग कर रहे ना, ये इनको भी तो पता लग गया ना। और बनाओ कैप्टन, सब मेरे एंटी थे, अब देखो सबके सब। हाय बिग बॉस। ओके ये स्टैन का गॉसिप क्लिप है। शालिन का शायद से कटने वाला है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता। अब देखो स्टैन ऐसा क्यों बोल रहा है, रीजन बताता हूँ। टीना स्टैन के पास जाके बोलती है, जो बंदा मेरा सगा नहीं हुआ वो तुम लोगों का सगा कैसे हो सकता है, और एंड ऑल बहुत सारी बातें करी थी। एंड अभी फिर से शालिन और टीना एक साथ आ चुके हैं, सो स्टैन को थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने समझाया पर उसे समझ नहीं आया, तो इसलिए ऐसा बोल रहा होगा। मैं भी मैं एज अ फ्रेंड उसको समझाया था। देखो वही बात आ गई सामने, उसको नहीं समझ में आया तो मेरे को ऐसा लगता। अच्छा ठीक है चल तुम्हारे साथ। आपकी अंगूठी कहाँ गई है ना, वो वाली काली वाली? ये तो है, एक और थी वो मैं चेंज करते रहता हूँ ऐसे। इतना दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं मुझे इतना भी नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। मैंने कभी लाइफ में नहीं खाई इमली, सही है, खाने भी नहीं चाहिए है ना। अच्छा अंगूठी एक्सचेंज कर रखी है इन लोगों ने भाई। नमक चाहिए मुझे। चलो मैं डिस्टर्ब नहीं करती, मैं साइड में नहीं, नहीं, नहीं बैठो, मेरे को कोई कोई ऐसा अकेलापन नहीं चाहिए। उसने देख लिया, उसने देख लिया, बोलती है ये कहाँ से आया, मैंने बोला मेरी है। उससे बोलती है अच्छा ये मैटर था, कुत्ता सीखा था वही है। अच्छा अच्छा जो भी चालू है टीना और उसके बीच में, मेरे को ऐसा लगता उसका कट गया। पहले मैंने एज अ फ्रेंड उसको बताया सच्चाई कि ब्रो ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा सीन है, तेरे को छवि करने वाली अगली, तो तू समझ ये चीज़ को। उसको समझना नहीं समझना वो उस पर, उसकी ज़िंदगी उसकी पर्सनल लाइफ है, पर मेरे को ऐसा लगता पर जिस दिन कटेगा मैं उस दिन हंसूंगा सर उस बात पे, उसके साइड में रुक के हंसूंगा क्योंकि फिर से हाथ बल में कौन काटने वाला है उनको। टीना स्ट्रेट अप टीना भाई स्टैंड सीधा सी मुंह पे, जो भी है मुंह पे। दिल का हाल और छोटी सी गॉसिप जो मुझे ऐसा लगता है। तुमने अपने दिल का हाल बोल क्या है? अरे किसी मतलब दिल का हाल नहीं, मतलब ऐसे कि गॉसिप ऐसा किसी के बारे में। मेरे बारे में क्या बोल क्या है? आपके बारे में कुछ नहीं। हाँ, आपने बोला मेरे बारे में गॉसिप देना है, दो तीन चीज़ें हैं। नहीं नहीं क्या पता भगवान मैं क्या कर क्या पता। बहुत सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पे, मेरे को भी सीरियस कर दिया इन लोगों ने यार। तो बताऊंगा कि गॉसिप क्या था। ओके नहीं एक्चुअली नहीं बताऊंगा। ओके इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि गेम के लिए वो लोग कुछ कर रहे, क्योंकि दोनों शाने हैं, दोनों बहुत ज्यादा शाने। पर जिस दिन कटेगा ना बिग बॉस भाई स्टैन बस कटेगा कटेगा ऐसे करो। इमली मिल गई, इमली मिली नहीं, चोरी हो गई है कहीं। हमने बिग बॉस को बोला है कि इमली चाहिए, गौतम सौंदर्य के लिए इमलियां ढूंढता हुआ घूम रहा है। मुझे कहीं इमली नहीं मिल रही यार, सौंदर्य को इमली चाहिए, खट्टा हो गया, मेरा गला खराब हो गया। गौतम सब ठीक है ना, रात को कुछ हुआ हुआ तो नहीं? अबे क्या बोल रही है ये, इसके कान में जावे से बोल रही है। अरे भाई क्या गौतम सब ठीक है ना, रात को कुछ हुआ हुआ तो नहीं? मुझे रात को मलम लगा रहा था। यही तो दिक्कत है, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ ना चल रहा। अबे भाई साढ़े सोलह उसे बोला था चल रहा। अरे
अरे यार निकाल दिया हमें, नहीं तो हम तो कर ही लेते कुछ। मैंने गलती कर दी जीवन की, दोबारा साथ रूम लेके ना तुम जिन में जीने देती हो ना रात को, ना तुम जिन में जीने देती हो ना रात को, क्या बोल रहा है? हड्डी नहीं हड्डा दे दो, हड्डा अभी उसको बोले तो दर्द इसको हो गया। चलो मेरी क्लिपिंग्स खत्म हो चुकी हैं। बस आई गेस इतने ही थे स्टैंड के पोर्शंस और इतना ही था जो भी था। सो हम पूरे उसका पूरे एपिसोड पे तो नहीं कर सकते रिएक्शन, तो जो मेन मेन क्लिप्स थी वो मेरे एक मेरा दोस्त है उसने कटआउट करके दी थी और पूरे क्लिप की मेरे को बैक एंड की स्टोरी बता दी थी कि ये इस वजह से, ये इस वजह से। तो अभी मैं देखूंगा जा करके एपिसोड पूरा। बाकी रिएक्शन कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा उस चीज़ का, मतलब जो भी मैंने जो करा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। एंड या अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, वरना अपने डेली जो रैप के रिएक्शन आते हैं वो तो आते रहेंगे। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।